हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशन मलिक एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ईद हो चुकी है खत्म और मैं आपको एक शख्सियत से तो इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गया था और वो शख्सियत है माय नेम इज मरियम फैसल मलिक और मेरे को प्यार से बोलते हैं मानो। ओके, सो गाइस, हम लोग करने वाले हैं मरियम के साथ एक छोटा सा प्रैंक और वो प्रैंक ये होगा कि मैंने कहना है मरियम को कि मैंने बहुत सारे बच्चों को 5,000 रुपए ईदी दिए, 5,000 रुपए, और देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होता है। सो गाइस, जब से मरियम को पता लगा है कि व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है तो अभी मैंने आके छापा मारा है कि ये कर क्या रही है, क्या कर रही हो मरियम? मेकअप कर रही हूं। मेकअप? तुम्हें फौरन पता लग गया कि व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है और आज से तो तुम तो बिल्कुल दीवानी हो गई, मेकअप करने लग गई। हाँ मरियम, मैं कब से देख रहा हूँ तुम बहुत देर से नाराज बैठी हो, क्या बात है ऐसी? जरा बताओ क्या बात है? सबको ईदी दी, आपने मेरे को ईदी नहीं दी। मैंने किसको ईदी दी है? मैंने तो, अगर मैं बताऊँ तो मैंने तो सबको 5,000 रुपए ईदी दिए। मेरे को भी चाहिए। क्यों क्यों चाहिए तुम्हें? पाँच आपने सबको दिया। ईद तो खत्म हो गई है और ईद खत्म हो गई तो ईदी भी खत्म। नहीं, मेरे को चाहिए, ईदी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ईद खत्म तो ईदी भी खत्म हो चुकी है। जल्दी जल्दी देना हो, जल्दी जल्दी, नाराज बाद में होना, बहुत में नाराज होना बाद में। तो बात नहीं आने। क्यों ऐसे इसमें नाराजगी क्या बात है? जब ईद खत्म हो गई है तो फिर आप ऐसे कर रही हो? हाँ कि रो क्यों रही हो? इसमें रोने से क्या फायदा है बताओ, बताओ रोने से क्या फायदा है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एक काम करता हूँ, मैंने किसी को ईदी नहीं दी, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ 500 रुपीज़ दिए, 500 रुपीज़ आपको भी मिल जाएंगे, आपके साथ प्रैंक हो रहा था। कैसा लगा आपको मेरा प्रैंक? मजा आया होगा, आई होप सो।